क्या कहते हैं जलेसर विधानसभा के समीकरण? देखिए 2022 में किसे मिलने वाली है जलेसर से जीत। सपा और बीजेपी में होगा आमने सामने का मुकाबला, लेकिन किसके पक्ष में जाएगी आवाम? देखिए जमीनी हालात। क्या बीजेपी को जिता रही है जलेसर की आवाम या सपा फिर करने वाली है जलेसर सीट पर वापसी? देखिए जलेसर विधानसभा सीट का सियासी गणित। उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव में वैसे तो हर सीट के सियासी मुकाबले के आंकलन का दौर चल रहा है। कौन कितना पानी में है और किसके बीच में मुकाबला होने वाला है, ये जानने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर एटा जिले की जलेसर विधानसभा सीट के सियासी समीकरणों को और हालातों को देखें तो यहाँ आंकलन सिर्फ इस बात का है कि आखिर कांटे की टक्कर में जीतेगा कौन, और सवाल है कि बीजेपी या फिर सपा किसके खाते में ये सीट जाएगी, क्योंकि जलेसर विधानसभा पर बीजेपी और सपा के बीच आमने सामने का सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। ऐसे में आज हम जलेसर विधानसभा सीट के सियासी इतिहास को खंगालेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस सीट पर किसे जीत मिलने की प्रबल संभावना है। तो देर न करते हुए 2002 से लेकर 2017 तक के सियासी इतिहास को पहले जान लेते हैं। 2002 से लेकर 2017 तक बीजेपी और सपा में मुख्य मुकाबला रहा है। विधानसभा चुनाव 2002 में जलेसर सीट पर सपा ने जीत दर्ज की थी। समाजवादी पार्टी के अनर सिंह दिवाकर ने बीजेपी उम्मीदवार को हराया था। बीजेपी के राम सिंह रावल को कड़े मुकाबले में सपा से हार का सामना करना पड़ा था। 2002 विधानसभा चुनाव में बीएसपी के रघुवीर सिंह तीसरे स्थान पर रहे थे, जबकि आरटीकेपी के उम्मीदवार चंद्रपाल सिंह चौथे स्थान पर रहे थे। 2007 के विधानसभा चुनाव में जंग फिर से काफी रोचक देखने को मिली, लेकिन 2007 में सपा को बीजेपी के हाथों शिकस्त झेलनी पड़ी थी। 2007 में बीजेपी उम्मीदवार कुंवर सिंह ने जीत दर्ज की थी। 2007 में बीएसपी के उम्मीदवार रणवीर सिंह कश्यप दूसरे स्थान पर रहे थे। 2007 में समाजवादी पार्टी के अनर सिंह दिवाकर तीसरे स्थान पर रहे थे, जबकि चौथे स्थान पर कांग्रेस की उम्मीदवार सुधा कुमारी रही थी। विधानसभा चुनाव 2012 में समाजवादी पार्टी ने फिर से वापसी की। 2012 में समाजवादी पार्टी के रंजीत सुमन ने जीत हासिल की थी। 2012 में मुख्य मुकाबला बीएसपी और सपा में देखने को मिला था। बीएसपी उम्मीदवार ओम प्रकाश दलित को सपा ने हराया था। बीजेपी, जिसने 2007 में जीत दर्ज की थी, वो चौथे स्थान पर पहुंच गई थी। 2012 में कांग्रेस के अनर सिंह दिवाकर तीसरे स्थान पर रहे थे, जबकि 2012 में बीजेपी की मिथिलेश कुमारी चौथे स्थान पर रही थी। 2017 में बीजेपी एक बार फिर सपा के साथ टक्कर देती दिखी। सपा और बीजेपी में आमने सामने का मुकाबला देखने को मिला। 2017 में कड़े मुकाबले में बीजेपी उम्मीदवार ने सपा को हरा दिया। 2017 में बीजेपी उम्मीदवार संजीव कुमार दिवाकर ने जीत दर्ज की थी। सपा उम्मीदवार रंजीत सुमन को हार का सामना करना पड़ा था। जलेसर सीट पर इस वक्त जो हालात दिख रहे हैं, उनसे मुकाबला तो सपा और बीजेपी में ही दिखाई दे रहा है, लेकिन हार जीत में मुद्दों का बहुत बड़ा योगदान होगा, क्योंकि आवाम से बात करने से साफ महसूस होता है कि लोग अब दो पार्टियों में से किसी एक को ही चुनेंगे, लेकिन साथ उसका देंगे जो मुद्दों को बेहतरी से उठाएगा। स्थानीय मुद्दों की बात करें तो विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। जलेसर विधानसभा में अब भी पानी की बड़ी किल्लत है। खारा पानी होने की वजह से पीने के पानी के लिए लोग परेशान रहते हैं। हर बार नेता वादा तो करते हैं, लेकिन कभी वादा पूरा नहीं होता। इसके अलावा जलेसर शहर में ही सड़कों के गड्ढे लोगों का मुंह चिढ़ाते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का भी बुरा हाल जलेसर में देखने को मिलता है। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकारी संस्थान हैं, लेकिन वो खस्ता हाल हैं। पीने का पानी, सड़कों की मरम्मत और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जो बेहतरी से आवाम के साथ तालमेल बिठाएगा, जीत उसे ही मिलेगी।
अब देखना यह है कि इन मुद्दों को कौन सी पार्टी बेहतरी के साथ लपक कर आवाम के सामने पहुंचती है और आवाम उसके सिर जीत की पगड़ी बांधती है। सपा या फिर बीजेपी, जीत किसे मिलेगी ये चुनावी नतीजों से ही साफ होगा, क्योंकि मुकाबला इन्हीं दोनों दलों के बीच जलेसर विधानसभा पर देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।